नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सर तन से जुदा, ये शब्द हाल ही में खूब चर्चा में बना हुआ है। वजह पूरे भारत को पता है। उदयपुर की घटना तो आप सबको याद होगी, किस तरीके से कन्हैया लाल को बीच बाजार में काट दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद अलग अलग राज्य से खबरें सामने आने लगी जहां पर लोगों को मारा गया और सर तन से जुदा करने की धमकी तक दी गई। अलग अलग महंत को सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि को फोन पर सिर तन से जुदा की धमकी दी गई है। जी हां, फोन व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया गया था। ट्रू कॉलर पर फोन करने वाले का नाम मौलाना मुश्ताक खान बता रहा है। महंत बजरंग मुनि ने पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक ये कहा है कि मेरे द्वारा स्थानीय इलाके में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करने के खिलाफ आवाज उठाई जाती है और एक साल पहले कुछ मुस्लिमों ने मुझ पर चाकुओं से हमला भी किया था। इस हमले में जैसे तैसे मेरी जान बच पाई थी। मेरा इलाज चल रहा है और मैं चल फिर नहीं सकता। कुछ महीने पहले मोहम्मद जुबेर ने मुझे दुनिया भर में बदनाम किया था और मुझे हेट मॉगस कहा था। अपनी शिकायत में महंत बजरंग मुनि ने आगे लिखा, 3 अगस्त 2022 को शाम करीब 4:12 पर मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आई। इसमें मुझे धमकी दी गई कि जल्द ही तुम्हारा सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। उस कॉल में कॉलर का नाम मौलाना मुश्ताक खान आ रहा है। देश में हो रही सर तन से जुदा संबंधी घटनाओं को देखते हुए इस धमकी के बाद मेरी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। महंत बजरंग मुनि ने अपनी शिकायत में कॉलर की डिटेल अटैच की है। ये धमकी फोन से आई है, उन्होंने ये बताया है। इसकी प्रोफाइल पिक्चर पर हरे रंग में मक्का मदीना की फोटो बनी हुई है, ये भी बजरंग मुनि ने बताया। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी मिलने के बाद उन्होंने उस नंबर पर लगातार वापस फोन भी किए, तब वो फोन उठाया नहीं गया और एक बार काट भी दिया गया। महंत बजरंग मुनि की इस शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 507 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही उन्हें जरूरी कार्रवाई के लिए भी निर्देश दे दिए गए। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।